रावट का खेल जोरों पर है। खाने पीने की चीजों में आपको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। दूध, मावा, घी समेत तमाम खाने पीने की चीजों में मिलावट की जा रही है। इन मिलावट खोरों ने स्वास्थ्य विभाग और आम जनता की नींद उड़ाई हुई है। लोग इन चीजों को खाकर बीमार हो रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रौनक व्यास का, ज्यादा जानकारियों के साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं। रौनक, यहाँ पर प्रदेश सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है जो 31 अक्टूबर तक चलेगा, और इसी के तहत मिलावटखोरों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। कहाँ तक पहुंचा है बीकानेर में ये अभियान? जी बिल्कुल जैस्मिन, देखिए बीकानेर की जब बात आती है तो यहाँ की मिठाइयाँ, नमकीन पूरे देश में फेमस है, और दिवाली सीजन पर लोग अपने पूरे देश में जो है रिश्तेदारों को गिफ्ट के तौर पर और मिठाई के बगैर किसी भी त्यौहार की कल्पना नहीं की जा सकती। लगातार जिस तरह से मिलावट की खबरें सामने आ रही है, जनता के लिए चिंता का विषय है। लगातार लोग जो है वो मेरे साथ में बात करता हूँ, किस तरह से चिंता है। बीकानेर बहुत फेमस है, लेकिन अब जिस तरह की कार्रवाई सामने आ रही है तमाम चीज़ों में, चाहे दूध, मावा, मिठाइयाँ, मसाले, तमाम चीज़ों में मिलावट, क्या कहेंगे, कितनी चिंता? चिंता का तो विषय बहुत ज़्यादा चिंता का विषय, क्योंकि त्यौहार या कोई भी कोई इस तरह का पर्व आता है तो हम लोग खुशी के मारे बाजार से हर कोई चीज़ खरीद के अलग अलग विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ अपने त्यौहार में घर परिवार रिश्तेदारी में बांटने का रहता है। लेकिन अब बाजार के नाम से हमें डर लगने लगा है, क्योंकि बाजार से मिठाई के नाम पर एक मीठा जहर मिल रहा है हमें, जिसके कारण हमारे रिश्तेदार, हम जो आम जनजीवन इतना मतलब दूषित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और एक मौत का सामान हम खरीद रहे, रुपए दे के मिठाई के नाम पे मौत का सामान खरीद रहे, तो बहुत ही बेहद ही चिंता का विषय। आप लोगों ने शिकायत की, कहीं ऐसी चीज पाई गई, आपको लगता है कि कहीं खतरनाक है ये जहर? अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब प्रशासन ने कहीं पे छापा मारा है, और मावे में और अन्य मिठाइयों में मतलब मिलावट ही मिला है, तेल में भी मिलावट मिला है, तो सबको मतलब प्रशासन देख रहा है और हम सबको अलर्ट रहना चाहिए इस चीज से। तो दिवाली सीजन है तो ये अपने आप एक बड़ा विषय है, चिंता का विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हो रही है सर, सारी इसी मिलावटी के कारण हो रही है सर। आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को देखते हुए आम मीडिया को सोचना चाहिए, प्लस आम जनता के हिसाब से क्या है कि जनता बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम में आ रही है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है सर, क्योंकि दूध भी सर मिलावटी आ रहा है सर, प्लस जो भी सर ये मिठाइयों के अंदर जो भी घी है सर वो भी मिलावटी बेस पे हो रहा है सारा ही सर, तो जो भी सिंथेटिक बेस हो रहा है सर, इसके कारण सारी बॉडी वीकनेस और बॉडी में जितनी भी बीमारी है वो सबसे बड़ा रीजन है सर, तो इसको सर देखना चाहिए, हर स्तर पे देखना चाहिए सर। स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ती है, आप लोग कहीं ऐसी चीज़ें पाई जाती है तो आप लोग शिकायत करते हैं? शिकायत किसको करें विभाग को, सरकारी विभाग, कोई सुनाई नहीं करते। बाकी दूध में हर चीज़ में मिलावट है टोटल में जी। प्रशासन की देखो जो भी है ना सक्रियता रहती है, कुछ समय के लिए रहती है, जैसे आ गया मीडियाबाजी, अखबारबाजी, कुछ समय के लिए होती है, फिर भी प्रशासन वापस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है, जिसके कारण वापस ये एक बार रोक लगी वापस दोहराई हो जाती है। प्रशासन द्वारा इस तरह का एक ठोस एक निरंतर कार्रवाई की जाए, निरंतर अभियान चलाया जाना चाहिए, जिसके कारण इन लोगों में इस तरह के व्यापारियों में एक भय होना चाहिए प्रशासन का, ताकि वो कभी पुनः इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो पाए, इसलिए प्रशासन को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए इसको लेकर। यहाँ पर एक जी ठोस कदम उठाने की बात जो है पब्लिक कर रही है। जी बिल्कुल रौनक, और यहाँ पर एक और अहम बात निकलकर सामने आई है कि सरकार मिलावट खोरी के खिलाफ अभियान तो चला रही है, लेकिन लोगों में इसको लेकर कितनी जागरूकता है, इस पर सरकार को खासा ध्यान देने की जरूरत नजर आ रही है यहाँ पर रौनक। जी बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए जिस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है, और त्योहारी सीजन में चूंकि हर चीज की खपत बढ़ जाती है, और जिस तरह से मिलावटखोर जो है उनका काम पैसे कमाने को लेकर बढ़ता है, जो लोग है मैं जानता हूँ, आप बताइए जो मिलावटखोर का जो सिलसिला लगातार सामने आ रहा है, जो खबरें आ रही है, उसके बाद जागरूक जो जनता है उसको भी काम करना होगा, क्या लगता है आपको? करना चाहिए, सही है, करना चाहिए तो। आप बताइए जो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, और जनता को ही इस तरह का अभियान चलाना पड़ेगा। इस तरह का कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, जनता को एक सार्वजनिक रूप से उस व्यापारी का, उस दुकानदार का एक पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए, ताकि उसको एक आर्थिक चोट लगेगी, तो इसको देखते हुए बाकी व्यापारी भी एक इस तरह की कोई मिलावटखोरी नहीं करेंगे। बिल्कुल रौनक, यानी कुल मिलाकर मान रही है कि जनता को जागरूक होना जरूरी है। जी जी बिल्कुल रौनक, क्योंकि सरकार के साथ साथ यहाँ पर अब इस अभियान में जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित होना काफी अहम हो जाता है। रौनक, बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए।